हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है वो आज समझेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ पे है आर्क वेल्डिंग की मशीन। देखिए, इसमें हमारे पास मशीन में होता क्या है, आर्क वेल्डिंग चलती है एसी करंट या डीसी करंट से। तो हम क्या करते हैं कि एसी करंट की सप्लाई लेते हैं। एसी करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आ रहा है। तो इसमें मशीन जो प्रोवाइड होती है वो अलग अलग तरीके की है। यहां पे जो मशीन है वो 230 वोल्ट की है। ये प्लग जो है सीधा हम लगाएंगे सॉकेट में, तो ये 230 वोल्ट की इनपुट लेता है और आउटपुट हमें देता है 40 से 45 वोल्ट की। तो इसको इनपुट देंगे सीधा और आउटपुट हमें मिल जाएगी 40-45 वोल्ट की। तो यहां पर यह सारी डिटेल लिखी होती है। अगर तो हमें चाहिए एसी वोल्टेज तो हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट जो सीधा सीधा यूज करते हैं। नहीं तो हमें क्या है कि इसके अंदर रेक्टिफायर होता है जो कि हमें डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, इसमें हमें किस तरह से चाहिए कि स्टेप डाउन वोल्टेज चाहिए। अब स्टेप डाउन वोल्टेज कैसे होगी, वो चाहिए हमें ट्रांसफॉर्मर। तो इसके अंदर एक होता है ट्रांसफॉर्मर जो कि स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को। अब वोल्टेज जब डाउन होगी तो करंट होगा, ठीक है। तो करंट क्यों चाहिए हमें, हमें करंट इसलिए चाहिए कि करंट प्रोवाइड करता है हीट। जितना ज्यादा करंट होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, तो आई जितना करंट ज्यादा होता है हीट इतनी ज्यादा हमें मिलती है। तो यहां से हमें करंट प्रोवाइड होगा तो हाई करंट होगा, इसमें लो वोल्टेज क्या होगी, लो, क्योंकि इसमें हमने ट्रांसफॉर्मर यूज कर लिया। अब देखो, हमने बनाना है एक सर्किट कि हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने साइंस ने सिंपल सी बात समझाई कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में अगर जोड़ दें तो वो वहां पे क्या होती है, स्पार्क चिंगारी निकलती है। हमसे भी कई बार गलती हो जाती है ना, तो प्लस और माइनस आपस में अगर जुड़ जाए तो एक अचानक से करंट सा निकलता है और चिंगारियां से निकलती हैं, हम कहते हैं ये क्या हो गया। तो जिसको हम शॉर्ट सर्किट भी बोल देते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। इसके कारण होता क्या है, शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो अचानक से आग निकलती है, तो बड़े बड़े घर जल जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें जल जाती हैं सिर्फ शॉर्ट सर्किट से ही। तो ये शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल कर लिया, क्या किया कि यहां से एक करंट वाली वायर ले ली, तो ये केबल आ रही है यहां से आके सीधी यहां पर ला दी और इसका कनेक्शन दे दिया इसके साथ। ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रोड, ये होता है इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक है। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड होल्डर। तो यहां से करंट आया। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव हम ही ज्यादा नहीं इस पर फोकस करूंगा अभी, ये समझिए कि यहां से करंट आया। करंट आने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आए। मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने वेल्डिंग करनी है। अब वेल्डिंग क्या है कि ये दो पीस है, दोनों पीसों को आपस में हमने वेल्ड करना है। तो वेल्ड करने के लिए ये अगर मैं सीधा सीधा यहां कर टच करूं तो अभी क्या होगा कि करंट आया और यहीं रह गया और ये क्या किया, अर्थिंग में आगे नीचे जा सकता है, लेकिन हमारे पास सर्किट नहीं कंप्लीट हुआ। यहां से सर्किट शुरू हुआ है और वापस इधर जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और वायर लेंगे जो कि अर्थिंग के साथ जोड़ देंगे। इसके देखिए अर्थ है, तो ये जो है मैंने एक पीस के साथ जोड़ दिया है। आयरन के मोस्टली ये ऐसा नहीं करते हैं, ये हमारे पास इस लैब में फैसिलिटी नहीं थी, नहीं तो ये एक होल्डर होता है, यहाँ पे अर्थिंग के लिए होल्डर होता है जो कि हम सीधा होल्डर से पकड़ते हैं और इसकी वर्क पीस के साथ टच में करा देते हैं। देखिए, इस यहां से टच कर दो, ये टच कर दिया, तो अब क्या होगा, अब सर्किट कंप्लीट होगा। मैंने यहां से ये किया, ये आया यहां पे करंट, और अगर मैं इसको टच करता हूं तो ये करंट यहां से फ्लो करके यहां से वापिस चला जाएगा। तो अब मेरे पास हो क्या रहा है कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को टच करता हूं तो वो चिंगारी निकलेगी, वो चिंगारी जो निकलेगी एक बार उसी को कंट्रोल करना मेन, उसका मेन खेल है, उसको हम कहते हैं आर्क। वो आर्क जो प्रोड्यूस होगी उसकी लेंथ, उसको कंट्रोल करना, और आप एक बार टच करेंगे ना वो चिंगारी आ जाएगी। उसके बाद हमें गैप बना के चलना होता है, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में गैप रहेगा। उस गैप के थ्रू हम क्या करेंगे, उस आर्क को मेंटेन करके रखेंगे। अगर मैंने मान लो ये डिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो वो आर्क खत्म हो जाएगी, मैंने कम कर दिया वो आर्क खत्म हो जाएगी। तो आर्क की लेंथ बहुत ज्यादा मेन है, ये एक दिन में नहीं आएगी वेल्डिंग। इसमें वेल्डिंग में आपको एक्सपीरियंस काफी टाइम लग जाता है इसमें एक्सपीरियंस लेने में, और जो वेल्डिंग करते हैं वो धीरे धीरे इन चीजों को समझते हैं। तो
तो ये चीज क्या है, आर्क को कंट्रोल करना कोई मजाक नहीं है। तो आप देखो इसको जब ऐसे करते हो तो यहां से क्या होगा कि यहां हीट होगी, यहां गर्मी आएगी। क्यों? क्योंकि जब करंट यहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे लगातार। स्ट्राइक करने से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और स्पार्किंग के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो आप देखो दो तिहाई, 2/3 जो है हीट यहां पे आ जाएगी और वो हीट करके यहां वर्क पीस को मेल्ट कर देगी। तो ये देखिए, ये वाला एज जो है यहां पे, ये अगर मेल्ट हो जाए, ये वाला मेल्ट हो जाए, तो जब मेल्ट होने से एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज का मतलब है एक दूसरे में समा जाएंगे मेल्ट होने के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे और वो क्या बन जाएगा, एक वेल्डिंग ज्वाइंट बन जाएगा। सिंपल सा है ना, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सिर्फ आपने जो बचपन में गलती की थी आपस में प्लस माइनस को जोड़ने की, वही गलती को इन्होंने फायदे में इस्तेमाल कर लिया। बात समझ रहे? तो यहां पे आप इस चीज को समझ सकते हैं, इसमें काफी ऐसे कंटेंट्स होते हैं। जब आप वेल्ड करोगे, कंटेंट्स अलग अलग होते हैं, तो आप जब आप वेल्ड करोगे ना, तो गर्म हो जाएगा एरिया और आसपास की जो एयर है, एयर में जो ऑक्सीजन है इसके अंदर स्ट्राइक करेगी, ऑक्सीजन आएगी कि चलो ऑक्साइड लेयर बनानी शुरू कर देगी, ऑक्साइड्स बनाने शुरू कर दी। उसको बचने के लिए क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग जो है, देखिए बेयर, एक होती है बेयर इलेक्ट्रोड, एक होती है कोटिंग वाली इलेक्ट्रोड। बेयर होती है जो, ये सीधा सीधा आपको दिख जाएगा इसमें डिफरेंस, ये एरिया बेयर है, खाली है, और इसके ऊपर ये फ्लक्स लगी हुई है। फ्लक्स क्यों लगानी है, फ्लक्स इसीलिए लगानी है कि जब आप वेल्ड करोगे तो उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर ना बने, ऑक्साइड ना हो, तो वो क्या करेगा, कोटिंग प्रोवाइड कर देगा। वो कोटिंग प्रोवाइड करेगा, ऊपर एक लेयर बना देगा, जब एयर अंदर आने लगेगी, ऑक्सीजन आने लगेगी, उसको रोक लेगा, उसको प्रोटेक्ट कर लेगा वेल्ड को, कि नहीं मेरे भाई, मैं तेरी प्रोटेक्टिंग शील्ड हूं, मैं नहीं तुझे कुछ होने दूंगा, ठीक है, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, टेंशन मत ले। तो वो लेयर बना देगा कि अब तू टेंशन ना ले, अंदर गर्म, क्योंकि देखिए जब गर्म होती है ना चीज, तब सबसे ज्यादा उस पे चांसेस रहते हैं ऑक्साइड लेयर बनने के। तो ऑक्साइड्स जो हैं वो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए हम इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स लगाते हैं। और ये फ्लक्स जब इंप्योरिटी के साथ मिलती है, इंप्योरिटी को बाहर निकाल के स्लैग बना देती है। उस स्लैग को हटाने के लिए हमारे पास यहां पे ब्रश है, ये ब्रश हम क्या करते हैं, उस स्लैग को हटाते हैं, बाद में उसको साफ कर देते हैं। हमारे पास देखिए डीसी करंट जो होता है, इसमें हमारे पास होती है स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, वो मैंने समझा रखा है अलग एक वीडियो में, आपको देखिए लास्ट में थंबनेल मिलेगा वेल्डिंग का, उस पर क्लिक कीजिए, पूरी वीडियोस आपको वेल्डिंग वाली मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए हमारे पास जब भी हम इसको यूज करना है, वेल्डिंग करना है, तो मेरे भाई इसके ऊपर अगर रस्ट लगी हुई है, इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, इसके ऊपर कोई पेंट लगा हुआ है, तो उसे पहले आप साफ करेंगे। क्लीन सरफेस जरूर होना चाहिए, चाहे आप कोई भी तरह की वेल्डिंग कर रहे हैं, पहले आपका सरफेस क्लीन होना चाहिए। नहीं क्या होगा कि ये मिट्टी, ये रस्ट, ये पेंट जब आप वेल्ड करोगे, गर्म होगा जब वो एरिया, तो वहां पे ये अंदर घुस के उसके अंदर डिफेक्ट्स प्रोड्यूस कर देंगे, और कोई नहीं चाहता कि वेल्डिंग में डिफेक्ट हो। क्यों? वेल्डिंग में अगर डिफेक्ट होगा तो वो स्ट्रेंथ खराब कर देगा उसकी, उसमें कमजोर कर देगा वेल्ड को, और वेल्ड टूटने की संभावना रहती है। तो आप इसको सरफेस को क्लीन करेंगे, और दूसरा होता है प्री हीट करना, थोड़ा सा गर्म करना इसको, पहले हल्का गर्म कर लेते हैं। ये आम आपको देखने को नहीं मिलेगा कभी भी शॉप पे, किसी पे आप देखोगे तो ऐसा कभी भी नहीं करते प्री हीट करने वाले। तो अगर आप अच्छे शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे कंपनीज लेवल पे काम करते हैं, तो वहां पे प्री हीट जरूर करते हैं। प्री हीट से हमारे पास काफी डिफेक्ट्स जो हैं वो बच जाते हैं, ऐसे डिफेक्ट नहीं आते हैं। और इसमें मेरे भाई क्या है, अभी करंट आ रहा है, अभी इसमें करंट है। अगर यहां से करंट आ रहा है और आपने गलती से इसको टच कर लिया, आपको क्या होगा, करंट लगने का, शॉक लगने की संभावना रहती है। अभी देखिए वोल्टेज इसमें कम होती है, इसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बहुत बड़े शॉक्स नहीं लगते इसमें, क्योंकि हमारी जो बॉडी की रेजिस्टेंस होती है वो 50 वोल्ट तक होती है, 50 वोल्ट तक होती है। इसीलिए क्या करते हैं, इसकी वोल्टेज 50 से भी कम रखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके कारण किसी को नुकसान इतना बड़ा ना हो जाए कि उसकी जान चली जाए। तो इसलिए एक वोल्टेज इसकी ये भी कारण होता है। तो हमारे पास बॉडी की रेजिस्टेंस इतनी होती है कि हम इसको शॉक को बर्दाश्त कर सके, अगर गलती से लग जाता है, नहीं तो ये नहीं कि चलो करके देखते हैं,
देखते हैं हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस सही है या नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो इसको टच करते हो तो हमारे पास करंट लगने की कोई संभावना नहीं है अगर आप इसको टच करते हो। देखिए इसके अलावा हमारे पास कुछ इक्विपमेंट जो जरूरी हैं, देखिए सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरी है। सेफ्टी के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, आप चाहे दूर से देख रहे हैं वेल्डिंग को तो चाहे दूर से देखें लेकिन कभी भी डायरेक्ट बिना इस गॉगल्स के मत देखें। तो ये गॉगल्स जरूरी हैं, इस गॉगल्स के थ्रू आप वेल्डिंग देखते हैं तो उसकी जो हार्मफुल रेडिएशन है वो आपकी आईज में नहीं जाएंगी। अगर आप देखोगे डायरेक्ट बिना इस गॉगल्स के तो आपकी शाम तक आईज जो है वो बर्न करना शुरू कर देंगी, आपको इवन डॉक्टर्स के पास जाना पड़ सकता है। और ये हुआ है, डिप्लोमा करते थे हम तो वहां पे ऐसा हुआ है एक लड़के के साथ, तो आज भी उसका याद है कि जो उसकी आईज है वो रेड हो गई थी, शाम तक उसकी रेडनेस आ गई थी आईज में। और जो वेल्डिंग करता है उसके लिए ये एक शील्ड होती है, ये प्रोटेक्टिंग शील्ड है, जब आप वेल्डिंग करोगे तब आपने ये यूज करनी है, ये जरूरी है, इसके बिना आप वेल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये था आर्क वेल्डिंग के बारे में। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, मैंने आपको फ्लक्स के बारे में बताया, आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अगर मेरे पास ये वर्क पीस माइल्ड स्टील का है तो उसके लिए कौन सा फ्लक्स यूज होगा। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स का बताया, अगर मेरे पास माइल्ड स्टील है तो कौन सा फ्लक्स यूज होगा। देखते हैं आप इस ऊपर रिसर्च करते हो या सिर्फ यही बस थोड़ी सी वीडियो देख ली, बस इतना इस पर रिसर्च करना पड़ेगा आपको, आपको थोड़ा सा इसके बारे में और नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो अगर आप इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप इसमें माइल्ड स्टील पे कौन सा फ्लक्स यूज होगा तो मैं समझूंगा कि आपने आगे भी पढ़ा है, यहीं पे नहीं वीडियो को छोड़ दिया। मैंने अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को मिल नहीं पाती हैं, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप टॉपिक का नाम लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट, अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई होगी तो आपके सामने जरूर आ जाएगी। ये सिंपल सा सोल्यूशन होता है उसका। और अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट इसी तरह करते रहें। थैंक यू सो मच।